बाफन बरादरी के SSLC, PUC और डिग्री कोर्सेज में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को जमीयत बाफमान जिला गुलबर्गा की जानिब से अजीज फंक्शन हॉल मोमिनपुरा गुलबर्गा में अवार्ड और तहनियत पेश की गई। कुल 68 तलबा और तालिबात को अवार्ड दिए गए। इलियास सेठ बाफमान साबिक चेयरमैन NEKRTC व सदर जमीयत बाफमान की जेर सदारत तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। इलियास सेठ बाफमान ने सदारती खिताब करते हुए तलबा व तालिबात की मेहनत व मशक्कत को सराहा और उन्हें अपना मुस्तकबिल रोशन करने की हिदायत दी। तकरीब में मुश्ताक अहमद इंजीनियर मोतमिन जमीयत बाफमान ने जमीयत बाफमान की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। अब्दुल हमीद अकबर, मोहम्मद मुबिन खैरदी, मोहम्मद मस्तान ब्रादर और जमीयत बाफमान के जिम्मेदारान के अलावा खवातीन की कसीर तादाद ने तहनीती तकरीब में शिरकत की। गुलबर्गा से ATV न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 65 यानी कि 65 बच्चों को आज अवार्ड दिया गया, जो 10th पास हैं और जो PUC पास हैं और जो डिग्री पास हैं, फर्स्ट क्लास बच्चों को आज अवार्ड दिया गया। और ख़ास तौर पे अवार्ड देने का मकसद ये है, बच्चों में हिम्मत अफजाई हो, उनको एंकरेजमेंट मिले, बच्चों को जज्बा और शौक़ पैदा हो और दूसरे बच्चों को भी देखकर इनको भी शौक पैदा हो कि हम भी ऐसा एक दिन अवार्ड लेने वाले बने। तो ये मकसद है हमारा अवार्ड का आज का, और काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा जिसके अंदर डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब अकबर और मस्तान बिरादर साहब और मुबीन साहब ने शिरकत की। और काफ़ी जो सब लोगों ने खास तौर पे हमारे मुश्ताक अहमद इंजीनियर, हमारे जनरल सेक्रेटरी जमीयत बाग़बान की, उनकी बहुत कोशिश मेहनत रही, और हमारे हैदर अली बाग़बान हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनकी भी काफ़ी मेहनत रही। और बहुत लोगों की मेहनत है, मैं सबके नाम नहीं ले सका, लेकिन बहुत लोग, सब टीम वर्क है पूरा, ये सब मिलकर काम किए हैं। और जो है इसमें हमारा मकसद सिर्फ हिम्मत अफजाई है, और पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए हैं, हमारे बच्चों को आज सराहे हैं, अवार्ड दिए हैं, वो भी बहुत खुश हैं। मैं सब लोगों से और एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप को जिन्होंने इतना दिलचस्पी लेके बच्चों को ये लेवल तक पढ़ाए हैं। हम इस मौके पर तकरीबन हमारी बिरादरी के डिग्री याफ्ता और PUC पास और SSLC पास जुमला 65 बच्चों को जो है ना तहनीत पेश की और अवार्ड से नवाजे हैं, ताकि इन बच्चों की हिम्मत अफजाई हो सके और आगे एजुकेशन के लिए उनकी रहनुमाई हो सके। तो इस मौके पर मैं बिरादरी के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चों की तालीम पे जोर दें, और इसी तरह जब भी जमीयत की जानिब से कोई ऐलान हो तो आप जो है ना उन जलसों में अपने बच्चों के साथ ज़रूर शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज हमारा जो तहनीती जलसा था बहुत ही कामयाब रहा, जिसके ज़रिए हम तमाम हमारे तलबा और तालिबात को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अपने दीगर कामों में आगे हैं, उससे ज़्यादा तालीमी मैदान में आगे रहें, ताकि हम पूरे तौर पर ये वाजह कर सकें कि हम कोई भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी है, पूरे स्टेट के तौर पर हम अपना एक स्टूडेंट कन्वेंशन भी रखना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल रनिंग, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैंने 10th स्टैंडर्ड में 89% डिस्टिंक्शन में हासिल किया है। और मैं सबसे पहले मैं अपनी जमात बाग़बान जमात को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमारे माँ बाप की रहनुमाई के लिए ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। इतना ही नहीं, मैं एक उर्दू मीडियम से हूँ और फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर में जा चुकी हूँ, और मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए इतना कुछ किया। दिन में कम से कम मैं स्कूल पढ़ के आके दो या तीन चार घंटे घर में पढ़ा करती थी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू इलियास सेठ कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। मैं SSLC पास 88% से पास करी हूँ, और मैं PUC सेकेंड 85% से पास करी हूँ। अक्सर मुस्लिम कौम में हम बच्चे बहुत पीछे हैं, और बाग़बान बरादरी में बच्चे बहुत पीछे हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ पर इलियास सेठ ने हम सबके हौसला अफजाई की है, हम लोगों को अवार्ड से नवाजा है, हमारे पेरेंट्स ने हमारी रहनुमाई कराई है। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, दिन में अक्सर आने के बाद या आप कुछ भी काम करते रहें, कम से कम मोबाइल यूज़ करें, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें।